नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन और इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में आज हमारे साथ मौजूद हैं बाराबंकी के लोकसभा सदस्य सांसद उपेंद्र रावत जी। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। उपेंद्र जी बाराबंकी के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी लोकसभा सीट है बाराबंकी और राजधानी लखनऊ का सबसे नज़दीकी जनपद है, काफ़ी जनसंख्या है, काफ़ी मतदाता हैं और बीजेपी से आपको विधायक बनने का सौभाग्य मिला। पहली बार बीजेपी से ही विधायक निर्वाचित हुए और उसके बाद लगातार आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी रही, लगातार विधायक बनने के बाद इन्हें फिर लोकसभा के चुनाव में भी पार्टी ने मौका दिया और बाराबंकी के सांसद होने का गौरव मिला। उपेंद्र जी, आपका जो शुरुआती जीवन रहा, आपके माता पिता, आपका गांव, अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमें जो ये मालूम चला है कि शुरुआती जीवन में काफ़ी संघर्ष आपने किया, काफ़ी मुश्किलें उठाईं और परिवार में भी चुनौतियाँ रहीं आपके। मेरी उम्र जब मात्र 7 साल की थी और मेरे पिताजी की उम्र उस समय 31 साल की थी, तब मेरी माताजी का देहांत हो गया था। फिर पिताजी की उम्र 31 साल होने के बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि उन्होंने कहा कि अब या तो मेरे जीवन में सुख है या मेरे बेटे के जीवन में सुख है, तो मैं अपना अब सुख त्याग करके और मैं अपने बेटे के लिए कोई ऐसी समस्या नहीं पैदा करना चाहता कि कोई दूसरी सौतेली माँ आवे और फिर बेटे का जीवन जो है नर्कपूर्ण हो। इसलिए उन्होंने अपना पूरी अपनी जवानी जो है वो एक हिसाब से त्यागमयी जीवन उन्होंने व्यतीत किया और दूसरी शादी नहीं की, मुझे पाल पोष करके बड़ा किया। मेरी दो छोटी बहनें भी मेरी थी, एक की उम्र 3 साल की थी और एक की उम्र जो है 1 ही साल की थी जब माताजी का देहांत हुआ है। फिर उन्होंने बहनों की शादी की, मेरी शादी की और फिर जब पेशे से अध्यापक थे, सरकारी अध्यापक थे, तो नौकरी के जब 7 साल बाकी रह गए थे तब उन्होंने गृह त्याग कर दिया और गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम बनाया है, वहां पर रह रहे हैं। आप अपने परिवार में, आपने बताया कि 2 बहनें हैं आपकी, तो आप शायद अकेले पुत्र हैं अपने माता पिता के, तो और माता जी का आकस्मिक निधन हुआ उस समय जब आप बहुत छोटे थे, आपके बचपन में ही माँ का साया नहीं रहा। शुरुआती जीवन में माता पिता की परवरिश का बड़ा अहम रोल होता है, क्या क्या दिक्कतें आपने उठाई खास तौर पर माँ के ना रहने की वजह से, आपको अपनी परवरिश में कहाँ कमी उनकी खली और जीवन के किन मौक़ों पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा याद आई? माता जी के न रहने के बाद उस समय मेरे दादाजी थे और दादी जी थी, लेकिन वो दोनों लोग काफ़ी बुजुर्ग थे तो अपनी ही देखभाल कर पाने में अक्षम थे और फिर ऐसी परिस्थितियों में हम और हमारी दोनों बहनों की जिम्मेदारी भी दादी जी के ऊपर आ पड़ी, तो उस स्थिति में माँ का रोल भी मेरे पिताजी ने निर्वाह किया है। वो पूरा ध्यान हम सबका रखते थे, यहाँ तक कि हमारी दादी जी का, दादाजी का भी और मेरा और मेरी दोनों बहनों का ध्यान, देखभाल पूरी पिताजी के ही जिम्मेदारी पर थी। तो माँ का रोल तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अहम होता है और सबसे बड़ा स्थान माँ का होता है। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके माँ हैं, जो आज भी माँ के साय में जी रहे हैं। मुझे तो बहुत हल्का सा चेहरा अपनी माँ का याद आता है, फ़ोटो देख करके मैं पहचान पाता हूँ, तो मुझे हमेशा जीवन भर एक ये जो कमी है वो मुझे खलती रही है और खलती रहेगी। उपेंद्र जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब युवा अवस्था में आए और शिक्षा के बाद आपने एनजीओ सेक्टर में काफ़ी बेहतर काम किया और एनजीओ का आपको विशेषज्ञ कहा जाता है कि भाई एनजीओ के संचालन से जुड़ी सारी चीज़ों की अच्छी जानकारी रही। लगभग 2 दशक आपने अपने जीवन के स्वयंसेवी संस्थाओं में, एनजीओ में बिताए, वहाँ पर किस तरह का अनुभव रहा और क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली जिन चीज़ों ने राजनीति में आपकी सफलता में योगदान दिया? 18 अगस्त 1989 को बाराबंकी के करीब 500 नौजवान बरौलिया में जो पारिजात वृक्ष है उसके नीचे हम सब लोग इकट्ठा हुए और उसके पहले हम लोग युवक मंगल दल से जुड़े थे। तो ये जो नौजवान है, ये पूरे ज़िले के युवक मंगल दल के नौजवान थे, पारिजात वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए और वहाँ पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि मैं तो पहले से बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन जो लोग धूम्रपान करते थे, पान बीड़ी सिगरेट का त्याग करके, और ये संकल्प लिया कि आज से 1 रुपया प्रतिदिन बचाएंगे और 1 रुपया प्रतिदिन बचा करके साल भर में 365 रुपया जमा करेंगे। एक संगठन बनाया, पारिजात वृक्ष के नीचे संकल्प लिया था, इसलिए पारिजात युवक समिति का गठन किया और उस संस्था में 365 रुपये प्रतिवर्ष हम सब लोगों ने जमा करना शुरू किया। 1 रुपया इसलिए तय किया गया था कि उस समय बीड़ी का बंडल 1 रुपये का मिलता था और ये माना गया कि एक आदमी आमतौर से एक बंडल बीड़ी दिन भर में पी करके और उसमें आग लगा करके जला करके फेंक देता है,
तो हम लोगों ने कहा कि एक एक रुपया बचाएंगे, जमा करेंगे, और वह एक अच्छी धनराशि इकट्ठा हुई। उससे पारिजात औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना की, जिसमें करीब करीब 172 लोगों को रोज़गार भी मिला। एनजीओ के माध्यम से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में संपर्क हुआ, जैसे यूनिसेफ है, केयर है, इन लोगों के साथ में, तो उसमें भी लोगों को काम करने का मौका मिला। तो हमने एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लगभग 20 साल काम किया और बड़े पैमाने पर काम किया, अच्छा काम किया। महेश भट्ट भी आए थे यहाँ बाराबंकी में, 4 दिन उनकी टीम रही थी यहाँ पर, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, और उनकी वो भी 4 घंटे रुके, फिर चले गए थे, लेकिन उनकी टीम यहाँ 4 दिन रही। तो बड़े पैमाने पर काम किया। बाद में एनजीओ सेक्टर में भी मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, जब से आईएएस अधिकारियों की और नेताओं की पत्नियाँ एनजीओ सेक्टर में आ गईं, तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार भी शुरू होने लगा, और हम लोग जिस भावना को लेकर के काम करते थे, तो वो जो परिस्थितियाँ पैदा हुई पिछले 10-12-15 साल पहले, तो एनजीओ सेक्टर में काम करने का मन जो है बिल्कुल उब गया। और वही करीब मुझे लगता है कि 2006 से मैंने एनजीओ सेक्टर में काम करना बंद कर दिया और वैसे ही सोशल वर्क में लगे रहे, और धीरे धीरे राजनीति की तरफ भी हमारा रुझान होता गया, फिर वहाँ से चलते चलते अब यहाँ तक पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किस तरह से पदार्पण हुआ आपका, और जो आपके जीवन का सफ़र था उसमें जीवन का पहला चुनाव था आपका जिसमें आप विधायक हो गए, तो ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि मिली आपको और एक बड़ी पार्टी से आप जुड़े, और मोदी जी का प्रभाव कुछ ऐसा था कि वो चुनाव जो है बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव रहा और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनी, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आपके जीवन में, जो जब बाहर से देखा जाए आपके जीवन को तो लगता है कि लोगों के जीवन में आंधी आती है, आपके जीवन में एक सफलता की आंधी आई। राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ाव की बात आपने पूछी है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में मैं सन 1995 में जुड़ गया था, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। 1995 के बाद हमने संगठन में काम करना शुरू किया, युवा मोर्चे में हम जिले के मंत्री भी रहे 2 साल, और फिर उसके बाद में युवा मोर्चे में जिले के उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हमारी बन गई जिसकी वजह से एक 8-10 साल का ऐसा समय रहा जिसकी वजह से मैं राजनीति में बिल्कुल निष्क्रिय रहा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं किसी दूसरे दल में भी नहीं गया, निष्क्रिय रहा। मैंने कुछ अपनी व्यक्तिगत जो समस्याएं थी उनको दूर करते हुए 8-10 साल में अपने आप मैं फिर खड़ा हुआ और फिर जो है फिर से राजनीति में सक्रिय हुआ। तो इधर 2014 में जो चुनाव लोकसभा का हुआ, उसमें पार्टी के लोगों के बकौल में मेरी एक जो है भूमिका वो बाराबंकी ज़िले में एक अच्छी भूमिका मानी गई, पार्टी के लोगों ने माना। 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती लोकसभा का चुनाव, और उसके बाद में मैं फिर निरंतर पार्टी के कार्यों में लगा रहा। 2017 में मुझे जैतपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। वो ऐसी विधानसभा है कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के बाद से कभी भी नहीं जीती, और यही कारण था कि जब मैं जैतपुर से टिकट मांग रहा था 2017 में, तो वहाँ उत्तर प्रदेश की शायद ही ऐसी कोई सीट हो जहाँ भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वाले सिर्फ 2 ही व्यक्ति हों। जैतपुर विधानसभा से कोई टिकट इसलिए नहीं मांगना चाहता था कि ये बिल्कुल लोगों ने मन बना रखा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीतेगी, इसलिए लोग टिकट नहीं मांगते थे। आप भी सुनकर के ताज्जुब करेंगे, मात्र 2 लोग टिकट मांग रहे थे, मुझे टिकट मिला और मैं भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक जैतपुर विधानसभा से बना। 2 साल तक मैंने काम किया अपने क्षेत्र में, जनता की सेवा की, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो एक एक व्यक्ति को देखती रहती है, उसका मूल्यांकन करती रहती है। पार्टी ने मेरा भी मूल्यांकन किया, सबका मूल्यांकन किया, और फिर 2019 में पार्टी ने जो मेरी कार्यशैली थी उसको देख करके पार्टी को लगा कि मैं लोकसभा के लिए उपयुक्त प्रत्याशी हो सकता हूँ, तो 2019 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाने का फैसला लिया और मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया। तो इस तरीके से 2017 में विधायक बना, 2 साल तक विधायक रहा, और 2 साल बाद ही 2019 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुझे विजयश्री हासिल हुई। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ,
और पार्टी के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। आप लोकसभा तो पहुँच गए, लेकिन जो सीट, जिस सीट ने आपको सबसे पहले विधायक बनाया, जीवन में पहली बार जिस सीट पर आपने भगवा लहराया वहाँ से आप विधायक हुए, वो सीट आप बचा नहीं पाए, वो सीट आपने गंवा दी। और वहाँ के मतदाता या तो आपकी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे या किन्हीं कारणों से वो निराश जरूर थे, वो जो उन्होंने मौका आपको बतौर विधायक जिता के दिया था, दोबारा वो मौका उन्होंने बीजेपी को नहीं दिया और वहाँ से समाजवादी पार्टी जीत गई। और समाजवादी पार्टी के जो वहाँ से विधायक हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई उपेंद्र जी ने जयपुर में कोई काम नहीं किया, इसीलिए जनता उनसे नाराज़ थी और उन्हें मौका मिला। मेरी कार्यशैली से लोग असंतुष्ट थे या जनता मुझसे नाराज है इसलिए वोट नहीं दिया, इस बात का तो आप सत्यापन कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं। 2017 में उस विधानसभा में, विधानसभा के चुनाव में मुझे वोट मिला था 1,11,000, और जब 2 साल बाद 2019 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उस विधानसभा में आप जानते हैं मेरे ज़िले के कद्दावर नेता वहां पर मीटिंगें लगा रहे थे जबकि वो चलने फिरने में असमर्थ थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, 6 मीटिंगें की, लेकिन 2 साल बाद भी मुझे वहां पर वोट मिला 1,14,000, यानी 2 साल की जो वर्किंग मेरी रही है तो 2 साल में मुझे 3,000 वोट बढ़ करके मिला। और फिर 6 महीने के बाद जब उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर ज़रूर हमारी पार्टी हारी है। तो इसमें ये कहा जाना उचित नहीं है कि मेरी कार्यशैली से जनता असंतुष्ट थी। अगर मेरी कार्यशैली से जनता असंतुष्ट होती तो 2000 का कहना है कि आपसे नहीं असंतुष्ट थी लेकिन आपकी पार्टी से असंतुष्ट थी। नहीं, पार्टी से असंतुष्ट, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को पार्टी से जोड़ के देखा जाता है, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो पराजय आपकी हो, पराजय पार्टी की हो, पराजय हुई। पार्टी से जनता आज भी असंतुष्ट नहीं है, न पहले थी न आज है। पार्टी से असंतुष्ट अगर होती तो मुझे भी हराती, मुझसे असंतुष्ट होती तो भी मुझे हराती, न मुझसे असंतुष्ट है न पार्टी से असंतुष्ट है। इसलिए 2017 के मुकाबले 2019 में 3,000 वोट ज़्यादा मिला, 1,11,000 के बजाय 1,14,000 मिला। उपचुनाव में हर चुनाव में मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन हर चुनाव में पार्टी का एक बड़ा रोल होता है और एक छोटा रोल प्रत्याशी का भी होता है। प्रत्याशी वहाँ उस विधानसभा के लोगों के बीच में अपनी क्या पैठ रखता है ये भी माने रखता है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया 2017 में, 2019 में भी दिया, बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं मानी, वो लोग उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। तो हम ये कहना चाहेंगे, मुझे, मैंने अभी तक कहा नहीं लेकिन ये कहना चाहेंगे कि मेरे प्रत्याशी की वो पकड़ और वो लोगों से पर्सनल अटैचमेंट लोगों से नहीं था कि दूसरी पार्टी के जो लोग थे, समाजवादी पार्टी के जो मेरा समर्थन कर रहे थे दोनों चुनाव में किया, उनको अपने पास रोक सके। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि प्रत्याशी का चयन गलत हुआ या फिर वहाँ प्रत्याशी अपना संगठन विकसित नहीं कर पाए? भाई मुझे तो पता नहीं था पहले, अन्यथा मैं मना करता, मेरी सहमति से टिकट मिला था। लेकिन बाद में टिकट मिलने के बाद ये बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से मुझे ये जानकारी हुई, लोगों ने कहा कि हमारे प्रत्याशी की जो छवि है वो कुर्मी बिरादरी में जो है वो कुर्मी विरोधी वाली छवि है और कुर्मी वोट जो है वो अलग हो रहा है, और ये सच्चाई निकली, लोगों ने कहा। तो मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ये मेरे प्रत्याशी से इनकी नाराज़गी है, अमरीश जी से, इसलिए कह रहे होंगे। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव नज़दीक आता गया तो मुझे लगा कि ये लोग सही कह रहे हैं और कुर्मी बिरादरी का जो वोट था वो मेरी पार्टी से अलग हुआ, समाजवादी पार्टी में गया, वो प्रत्याशी की वजह से, क्योंकि मेरा जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी अपनी ही पोलिंग के आसपास की जितनी 20-25 सीटें हैं सारी की सारी सीटें हार गया जो मैं जीतता था हमेशा। इसलिए प्रत्याशी के चयन में जो प्रत्याशी की वहाँ पर नकारात्मक प्रत्याशी के बारे में सोच थी उसको हम लोग उसका आकलन नहीं कर पाए। अच्छा, बाराबंकी की अगर बात करें तो देखिए अब धीरे धीरे 2022 का माहौल भी बन रहा है और आपने बताया कि कुर्मी बिरादरी जो कि एक बड़ा सेगमेंट है यहाँ पर, एक बड़ा वोट बैंक है, वो असंतुष्ट हो गया बीजेपी से और दूर हो गया उपचुनाव में। 2022 में कुर्मी वोटर्स यदि आपसे असंतुष्ट रहते हैं तो एक बड़ी मुश्किल नहीं होगी पार्टी के सामने? मैंने कहा ना कि कुर्मी वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिसकी वजह से कोई जाति विशेष का व्यक्ति नाराज़ हो। हम ऐसी कोई सिचुएशन नहीं पैदा होने देना दे रहे हैं। अब तो 3.5 साल हो गया, 2 साल विधायक रहा, 1.5 साल लगभग सांसद का कार्यकाल हो गया। 3.5 साल में
ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं पैदा होने दे रहे हैं जिससे कि किसी कोई जात बिरादरी के ऊपर प्रभाव पड़े कि कोई व्यक्ति मुझसे नाराज हो सकता है, लेकिन कोई जाति पूरी पूरी नाराज हो ऐसी कोई सिचुएशन न तो मैं पैदा होने देता हूँ, न मेरी पार्टी इस तरह की कोई सोच है, न पार्टी कोई पैदा होने देती है। तो 2022 में ऐसी कोई बात नहीं आने वाली है। ये जो विधानसभा है, स्पेशली मैंने इस विधानसभा का जिक्र किया कि विधानसभा कभी भी भाजपा नहीं जीती है। इस विधानसभा की जो जातीय समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता है, लेकिन मैंने जब 2017 में चुनाव लड़ा था उसके दो साल पहले मैंने यहाँ पर बहुत नज़दीकी से जा करके लोगों के घरों में घुस करके और उनके दिलों में घुस करके मैंने जो जगह बनाई थी, आज भी मेरे लिए वो जगह है। और कोई ऐसा प्रत्याशी होगा जिसके बारे में लोगों की नकारात्मक सोच नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो मेरे आह्वान पर, पार्टी के आह्वान पर और उस प्रत्याशी के आह्वान पर सारे लोग फिर उनको समर्थन करेंगे। उपेन जी, आपके पहले प्रियंका रावत जी यहाँ बीजेपी की MP रहीं, और प्रियंका जी जब MP बनी तो काफ़ी सालों के बाद एक अच्छे वोटों के अंतर से वो जीती थी चुनाव, और दोबारा भी वो लड़ना चाहती थीं लेकिन पार्टी ने फैसला किया, उन्हें किनारे करके आपको पार्टी ने मौका दिया। और बीजेपी के बारे में ये कहा भी जाता है कि बीजेपी में कब किसे कौन सा अवसर मिल जाए, क्योंकि ये एक वर्कर्स ड्रिवन पार्टी है, कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को कभी भी बड़ा मौका मिल जाता है बीजेपी में। लेकिन प्रियंका जी का असंतोष लगातार दिखाई दिया, कई महीनों तक जिले में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तमाम इस तरह का माहौल बना रहा। उनका जो असंतोष है, और अब ये भी कहा जाता है कि एक गुट बन गया है, पार्टी में गुट बन गए हैं, यहाँ पर प्रियंका जी आती हैं तो बहुत से लोग नहीं जाते हैं उनसे मिलने, बहुत से लोग मिलने जाते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रियंका जी का जो असंतोष है उसने पार्टी को एक कहीं ना कहीं जनपद में विभाजित कर दिया है और गुटों में बट गई है बीजेपी? कहीं भी कोई एक किसी प्रकार का कोई गुट बाराबंकी में नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हर व्यक्ति किसी न किसी पद पर पहुँचना चाहता है, हर व्यक्ति तो नहीं लेकिन कुछ लोग जो राजनीति में सांसद भी बनना चाहते हैं, विधायक भी बनना चाहते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं, प्रमुख बनना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक ही क्षेत्र में कई लोग उस पद पर पहुंचना चाहते हैं। जब कोई एक व्यक्ति को मौका मिलता है तो दूसरे व्यक्ति के मन में असंतोष स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी के लिए वो सारे लोग एकजुट हैं। अभी मिलने जाने के आपकी कैसे संबंध है प्रियंका जी से? आपसे मुलाकात होती है, उनकी बातचीत होती है कभी? जब आप MP हुए उसके बाद कभी साथ में बैठ के चाय पी गई? नहीं, चाय तो नहीं पी गई बैठ करके, और ये ज़रूर है कि जहाँ मुलाकात होती है मैं पहले उनसे हाथ जोड़ करके नमस्ते करता हूँ, उसका वो जवाब भी देती हैं। मेरी बेटी की शादी हुई थी, मैं न्योता खुद उनके घर देने गया था। ये बात सही है कि वो आई नहीं, वो नाराज़ रही होंगी या हो सकता है उनको समय न मिल पाया हो, लेकिन उसका अपने जिले का सांसद अगर न्योता दे और जिले का पूर्व सांसद ना जाए बेटी की शादी में, तो मुझे नहीं लगता है कि नाराजगी की कोई संभावना बची है। नाराजगी स्पष्ट है और ये कार्यकर्ता भी आपके जानते हैं, जनता भी जानती है जिले की। भाई देखिए, उनका टिकट कटा है तो उनके मन में जो कष्ट होगा, जो नाराज़गी उनके मन में होगी वो है, लेकिन पार्टी के प्रति वो भी पूरी वफादार हैं, पार्टी के प्रति हम भी वफादार हैं, हम सब लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी ने उनको मौका दिया था, वो रही 5 साल सांसद, पार्टी ने मुझे मौका दिया है, मैं हूँ इस समय, पार्टी किसी दूसरे को मौका देगी तो हम सबको मिल करके उसके साथ रहना चाहिए। और आपने पहले ही कहा कि ये ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि जिसमें मैं विधायक भी बना और सांसद भी बना, अन्यथा और किसी पार्टी में बसपा में ही होता तो वहाँ जो टिकट के लिए चंदा जमा करना पड़ता है वो मेरे पास पैसे नहीं था, कहाँ बन पाता। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, क्या किसी भी पार्टी में ऐसा संभव था कि ये मतलब इस तरीके का व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य परिवार से निकल करके राजनीतिक सफ़र शुरू किया हो और देश के सर्वोच्च पद पर पहुँच जाए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी भी पार्टी में ऐसा संभव ही नहीं। अच्छा, आज अभी हाथरस का मामला चर्चा में है, बलरामपुर में घटना हुई, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे उत्तर प्रदेश में जो आपकी सरकार है वो लगातार घिरती हुई दिख रही है और बड़ा दबाव बन गया है उनके ऊपर, विपक्ष पूरा एकजुट है, मीडिया भी प्रहार कर रहा है और कई बार दलित विरोधी होने का आरोप लगता है कि साहब दलितों की सुनवाई नहीं हो रही है, दलित विरोधी है बीजेपी सरकार, इस तरह का विपक्ष ने एक बड़ा प्रोपोगेंडा बनाया है, एक बड़ा माहौल बनाया है और कहीं ना कहीं वो दबाव भी दिख रहा है। तो आपकी पार्टी से बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के सांसद हैं, बड़ी संख्या में विधायक हैं, फिर भी आप इन आरोपों के आगे कहीं ना कहीं पराजित दिखाई पड़ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप उसी पर लगेंगे जो शासन सत्ता में होगा,
जब जो पार्टी सरकार में होती है, सत्ता में होती है, तो आरोप उसी पर लगते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है कि आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, हमारी सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन यह बात कहना कि दलित विरोधी है, ये बिल्कुल नितांत गलत है, बिल्कुल ही असत्य है। क्योंकि पिछले जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे फिर 2019 का फिर से लोकसभा का चुनाव हो, अनुसूचित जात के लोगों ने भारी संख्या में वोट दिया है, पिछड़ी जात के लोगों ने भी वोट दिया है। यही इसी का परिणाम है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कुछ जातियों को लेकर के कोई सरकार इतनी प्रचंड बहुमत में नहीं आ सकती है। तो सब जितनी भी जातियां हैं, सब हर जाति का वोट मिला है। किसी बिरादरी का थोड़ा कम मिला होगा, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जिनका 80-90% वोट मिला है, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और सरकार बनने के बाद भी हाथरस की घटना का आपने उल्लेख किया, हाथरस की घटना में सरकार ने वहाँ पर निर्णय लिया, जिन लोगों की प्रथम दृष्टया जिनकी गलती वहाँ पर महसूस हुई, समझी गई, उनको जो है सस्पेंड भी किया सरकार ने, और तत्काल जो है उस पर SIT गठित करके जांच हो रही है। CBI जांच की भी जो है बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। तो अभी तक जितना हो सकता था बिना जांच के वो सरकार ने किया। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ वही कार्यवाही होगी जो एक दरिंदे के खिलाफ होती है, चाहे कोई भी दोषी हो। अच्छा, आपकी पार्टी के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं या जो तमाम इस तरह के मुद्दों में लोग सामने आ रहे हैं, उनमें BJP का विरोध करने में PL पुनिया भी बहुत आगे हैं, और यहाँ बाराबंकी से वो MP भी रह चुके हैं, और आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं एक तरह से, क्योंकि बाराबंकी अक्सर आते हैं, एक्टिव रहते हैं काफ़ी यहाँ पर, और उन्होंने भी हाथरस कांड में उन्होंने BJP सरकार को निशाने पर लिया। तो अनुसूचित जाति के भी, वो अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो बातें सामने आ रही हैं, और जिस तरह से विपक्ष बिल्कुल कांग्रेस समाजवादी पार्टी सभी बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि 2022 की राहें मुश्किल होंगी? देखिए, 2022 की राह किसी एक बात को लेकर के और गलत सलत दुष्प्रचार करने की वजह से कोई राहें मुश्किल नहीं होंगी। वहाँ पर मैंने अभी पहले कहा कि वहाँ उस घटना में सरकार की तरफ से जो भी कार्यवाही होनी चाहिए थी वो कार्यवाही पर्याप्त मात्रा में हुई है। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ के अधिकारियों ने जिस तरह का व्यवहार किया, जो कार्यशैली अपनाई, उसकी मैंने पहले भी आलोचना की है, मैं आज भी करता हूँ। अच्छा, आपकी पार्टी, आपको नहीं लग रहा है कि जब आप सत्ता में आने वाले थे उत्तर प्रदेश में, तो कहा गया था कि साहब पिछले सरकारों ने जो गलत किया है उसकी जाँच कराएंगे और जेल भेजेंगे, और जांच तो हो रही है, लेकिन जेल आमतौर पे छोटे जो अधिकारी हैं या इस तरह के लोग हैं वही फंस रहे हैं। तमाम बड़े नेता जिनके ऊपर गंभीर आरोप रहे, चाहे रिवर फ्रंट घोटाले की जांच हो या तमाम तरह की जांच हो, वो सारे नेता विपक्ष के आज़ाद भी घूम रहे हैं और मुखर भी हैं। यदि उनके ऊपर आरोप नहीं थे तो क्या आरोपों की राजनीति की BJP ने, और यदि उनके ऊपर आरोप थे तो फिर उचित कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है कहीं? जैसे एक बटन जलाने से पूरे कमरे में एक साथ उजाला होता है, उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि सरकार आते ही एक बटन दबाते ही सारे दोषी एक साथ जेल में चले जाएंगे तो ये संभव नहीं है। इसमें अंतर है। तो 3 साल से अधिक वक्त बीत गया है आपकी सरकार कि कितने बड़े दिग्गज नेता जेल के अंदर पड़े हुए हैं, खुद पड़े हुए हैं, बीबी पड़ी हुई है, बेटा पड़ा हुआ है, सांसद भी थे, विधायक भी थे, सब कुछ है, और कार्यवाही के नाम पर जो बहुत बड़े बड़े गुंडे थे जिन्होंने तमाम मर्डर किए थे, उनको किस तरह से सरकार ने ठीक किया ये आप सब जानते हैं। बहुत हो हल्ला मचा, लेकिन सरकार ने उनको भी ख़त्म करने का काम किया। अगर उन्होंने मुठभेड़ की, उन्होंने अगर पंगा लेने का काम किया, तो उसका जवाब सरकार ने ठीक से दिया है। जो गलत सलत की तरीके की तमाम सारी भूमि को हड़प करके और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके रखी थी, किसी भी सरकार के दम नहीं थी, उस पर बुलडोजर भी चला, उनकी जो है भवनों को जो है नेस्तनाबूत करने का काम किया सरकार ने। तो बहुत सारी तमाम कार्यवाहियाँ हुई हैं, और अभी भी हो सकता है कि कुछ कार्यवाही कुछ लोगों पर बाकी हो, जो अभी जिनके साक्ष्य अभी न मिल पाए हों, जो अभी बिल्कुल सबूत के अभाव में अभी बैठे हैं, लेकिन वो बैठे नहीं रह पाएंगे। जैसे ही सबूत उनके खिलाफ इकट्ठे होंगे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। सबूत इकट्ठा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ लोगों के सबूत मिल गए, उन पर कार्यवाही हुई। पूरे भर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमाफिया थे और चाहे क्रिमिनल्स थे, उनके खिलाफ कार्यवाही जो हुई है योगी जी के कार्यकाल में, इस तरह की कार्यवाही पहले कभी नहीं देखी गई।
अच्छा, राजनीति में आने के बाद आपके अपने क्या सपने रहे और राजनीति में कौन सा वो ऊंचा मुकाम है जहां जाने पर आपको लगेगा कि नहीं, अब आपने अपने जीवन में जो भी कुछ सोचा था, जो भी कुछ बड़े लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे, वो आपने हासिल कर लिए? राजनीति में मुकाम जो है या किसी पद पर पहुंचने की ऐसी कोई बहुत बड़ी इच्छा या लालसा मन में मैंने कोई टारगेट बना करके नहीं रखी है। मैं टारगेट ये बना करके रखा हूँ, लक्ष्य मेरा ये है कि जहाँ पर जिस पद पर भी मैं रहूँ तो वहाँ पर मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूँ, जनहित के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने ज़िले के लोगों के हित के लिए मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, यह मेरा फर्स्ट जो है वो टारगेट है, लक्ष्य है मेरा। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए हुए हूँ और जहाँ जहाँ जिस पद पर मुझे पहुँचने का मौका मिलेगा उसके अनुरूप और उस क्षेत्र में आने मतलब उस क्षेत्र में मैं वो काम करने का प्रयास करूँगा। तो बाराबंकी जनपद राजधानी लखनऊ से बहुत नज़दीक है, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी पिछड़े हुए जनपदों में गिना जाता है। यहाँ के मरीज जरा सी दिक्कत होती है तो उन्हें लखनऊ भागना पड़ता है। हायर एजुकेशन में बच्चों को, स्टूडेंट्स को लखनऊ भागना पड़ता है। उद्योग यहाँ पर नए उद्योग लग नहीं रहे, पुराने जो हैं वो बंद हो रहे हैं। अभी आपको याद है कि बुढ़वल एक शुगर मिल है रामनगर में, वो बंद पड़ी है। कताई मिल बाराबंकी के नज़दीक शहर की थी, वो लंबे समय से, कई वर्षों से बंद पड़ी है। तमाम उद्योग यहाँ पिछले दो दशकों में अगर आप सर्वे करें, आप देखें, अध्ययन करें, आप एमपी हैं यहाँ के, तो दर्जनों फैक्ट्रियाँ, दर्जनों उद्योग यहाँ के बंद हो गए हैं। और कोरोना संकट में सरकार ने एक प्रयास किया था कि उद्योगों को चालू करें, रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएँ, तो इन दिशाओं पर आप कितना सफल हो पाए हैं रोज़गार सृजन में, उद्योगों को दोबारा चालू कराने में? आपको क्या लग रहा है इन मोर्चों पर आप कितना काम कर पाए हैं और कितना आगे करेंगे? स्वास्थ्य सुविधाओं की जहाँ तक आपने बात की कि यहाँ लोगों को अगर कोई दिक्कत होती तो उन्हें लखनऊ भागना पड़ता है, मैं एक चीज़ आपसे ये आपकी जानकारी के लिए डालना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सुविधा जो लखनऊ में है उस तरह की स्वास्थ्य सुविधा हर ज़िले में आप अगर चाहते हैं तो इसमें बहुत बड़ा समय लगेगा। आप सिर्फ बाराबंकी को लेकर के ना चलिए, फिर बाराबंकी में अगर हम वो चाहते हैं तो फिर बहराइच में भी होनी चाहिए, फिर गोंडा में भी होनी चाहिए, बलरामपुर में भी होनी चाहिए। एक समय ऐसा था जब गोरखपुर से लोग लेकर के लखनऊ भागते थे, उसको सरकार ने वो उस पर काम किया और गोरखपुर साइड के लोग अब वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मुहैया कराई गई हैं, उनको लखनऊ तक नहीं आना पड़ता है। बाराबंकी से लखनऊ जाने में तो 27 किलोमीटर का है, जहाँ अभी 100-200 किलोमीटर से लखनऊ जाना पड़ता है। एक समय था जब 400 किलोमीटर से लखनऊ जाना पड़ता था, उस पर सरकार ने ध्यान दिया, योगी सरकार ने, और पूर्वांचल में जो है इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था वहाँ पर मुहैया कराई गई कि अब उन लोगों को लखनऊ नहीं आना पड़ता है। बाराबंकी के लोग बहुत नज़दीक हैं, बलरामपुर, गोंडा, ये हम ये कहते हैं कि ऐसी ज़रूरत हर ज़िले में नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हर ज़िले में इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएँ हों कि किसी को दूसरे ज़िले न जाना पड़े, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया कि शैक्षिक संस्थानों की बात, तो शैक्षिक संस्थानों में चाहे वो सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, बाराबंकी में भी अच्छे शैक्षिक संस्थान धीरे धीरे करके जो प्राइवेट संस्थान हैं वो भी जो आए हैं वो भी सरकार की ही मंशा से आए हैं और सरकार की अनुमति से आए हैं। एक अच्छा माहौल धीरे धीरे शिक्षा का बन रहा है। उद्योगों की जहाँ तक आपने बात कही तो आपने शुगर मिल का उसमें जिक्र किया, बुढ़वल का, उस मामले में मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, गन्ना मंत्री जी से भी बात हुई है। प्रदेश में मुझे संख्या तो नहीं पता लेकिन अच्छी संख्या में शुगर मिल बंद पड़े थे और जब से हमारी सरकार बनी है 2017 में, इन 3 सालों में करीब करीब जो है वो 8 शुगर मिल जो बंद पड़े थे उनको चलाने का काम किया है। एक साथ सारे शुगर मिल नहीं चल जाएंगे, इसकी भी बात चल रही है, हम लोग इस कोशिश में हैं कि हमारा बुढ़वल का शुगर मिल भी चले। और हैदरगढ़ में ये शुगर मिल बंद हो गया था, ये मेरी सरकार में थोड़े बंद हुआ था, ये तो बहुत पहले बंद हुआ था। हमारी सरकार में हैदरगढ़ में एक नया शुगर मिल भी बन करके तैयार हुआ, जब माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने नया शुगर मिल भी तैयार किया, बुढ़वल से बहुत बड़ी क्षमता वाला शुगर मिल तैयार किया। लेकिन यह भी शुगर मिल बनना चाहिए, यह भी चले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। बतौर बाराबंकी में विधायक और सांसद जो आपका कार्यकाल रहा, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी सीटें हैं, बाराबंकी को अभी तक क्या दे पाए हैं? कुछ ऐसी सौगात, कुछ ऐसी उपलब्धियां जो आपके प्रयासों से यहाँ की जनता को मिली हों और जिन्हें बताने में भी आपको गर्व की अनुभूति हो? मैं जब विधायक बना था तो पहले ही सत्र, जब 5 दिन का, मात्र 5 दिन का सत्र चला था, तो उसमें मैंने एक सवाल रखा था, यहाँ पर एक सिद्धौर में डिघावा
के पास रारी नदी का पुल जो था वो, उसको कई बार लोगों ने लोकार्पण किया, वो लोकार्पण शिलान्यास किया, कहीं कुछ ईंटें गिराए, कहीं कुछ गिट्टी गिराई। और उसके बाद जब मैं विधायक बना तो वहाँ पर थोड़ी बहुत गिट्टी पड़ी थी, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहाँ गिट्टी गिरवा दी थी चुनाव जीतने के लिए कि गिट्टी उट्टी गिरेगी तो लोग कहेंगे कि पुल बनने जा रहा है। विधायक बनने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर वो थोड़ा दो एक मशीनें खड़ी कर दी, और जैसे ही समाजवादी पार्टी हारी वो मशीनें उठ करके चली गई, वो गिट्टी भी लोग लाद करके ले जाने लगे, लोगों ने मुझे बताया। मैंने पहला सवाल विधानसभा के अंदर लगाया था, और आपको बताएं कि सात दिन में ही कार्यवाही हुई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मेरे पास आए, वार्ता हुई, और एक महीने के बाद ही काम शुरू हुआ, वो पुल बन करके तैयार हो गया। अभी कल्याणी नदी पर मसौली के पास हमारे विधायक जी शरद अवस्थी उनके गांव के पास कल्याणी नदी पर एक पुल मंजूर हो गया है, वो भी बनने जा रहा है। एक जो बहुत बड़ा काम है हितमापुर से सीधे बहराइच को जोड़ने के लिए, हम लोग घूम करके जाते हैं जरवल रोड होते हुए, तो ये प्रयास हमारा है कि हितमापुर से बहराइच के लिए सीधा एक जो है घाघरा नदी पर इतना बड़ा एक पुल बने कि सीधे बहराइच की दूरी घट करके आधे से भी और कम हो जाए, तो उस पर भी प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी उसमें भी मैंने इस विषय को रखा है, तो वह भी काम उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। और दूसरा ये है कि बाराबंकी और बंकी को जोड़ने के लिए मैंने अपने चुनाव के पहले ही कहा था कि बीच में रेलवे लाइन है, उधर बंकी है, इधर बाराबंकी है, आने जाने के लिए बहुत दूर से घूम करके जाना पड़ता है, क्योंकि जो वो क्रॉसिंग है जिससे बंकी जुड़ती है वो क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, और रेलवे स्टेशन पर हमेशा ट्रेनें आकर के रुकती रहती हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉसिंग लगभग बंद ही रहती है। हाँ, एक जटिल समस्या है और लंबे समय से ये समस्या है। इसको मैंने लोकसभा में इसका मैंने सवाल उठाया, और उस पर माननीय रेल मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, वहाँ पर सहमति बन गई है केंद्र सरकार में, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भी सहमति चाहिए क्योंकि कुछ पैसा यहाँ का लगता है। हम यहाँ पर लगे हुए हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के पास, जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति मिलेगी तो ये एक बड़ा काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे काम जो है वो कराने का प्रयास है। अभी बाराबंकी शहर में आप जानते हैं कि सिर्फ एक आधा घंटे अगर पानी बरस जाए तो जो मेन रोड है शहर के अंदर की जो मेन रोड है उस पर जो है वो पानी एक डेढ़ फीट पानी भर जाता है। उसकी समस्या को अभी मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने जो है वो उठाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उन्होंने तुरंत कमिश्नर अयोध्या को कहा कि तुरंत पॉइंट नोट कीजिए और इस पर तुरंत इसकी जो है स्वीकृति देकर के ये काम शुरू हो जाए। तो करीब 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी स्वीकृति होते ही वो काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे काम यहाँ पर करने का काम किया गया। एक असेनी मोड़ आप जानते हैं, इस पर जो एक सड़क बनी थी पिछले सरकार के समय में, तो सड़क भी बनाई गई थी, और सड़क के किनारे उसमें कुछ पत्थर गाड़े गए थे, मतलब साइकिल पथ बनाया गया था किनारे। साइकिल वाले जो वो हैं व्यक्ति, वो भी उधर नहीं चलते हैं, वो भी बीच में चलते हैं, लेकिन उससे ये हुआ कि भाई दुर्घटना ना हो। मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह से जब से वो बना है तब से करीब करीब 30 के आसपास दुर्घटनाएँ इसलिए हुई हैं कि लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, और साइकिल से वो जो पत्थर नीचे एक एक फीट के निकले हैं, आगे से गाड़ी आती है तो उसकी लाइट में पत्थर दिखते नहीं, पत्थर में लड़ जाते हैं, गिर करके उनकी खोपड़ी उसी में लड़ जाती है, और कुछ लोग मरे भी हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी लिखा था इसको, और वो रोड फिर से बनने जा रही है, उनको हटा करके एक बढ़िया रोड बनने जा रही है जिसकी वजह से दुर्घटना ना हो। तो ये सब सारे काम हम लोग बाराबंकी इस समय, जनता जो ये यहाँ की है आपके जनपद की, आपके लोकसभा क्षेत्र की, सड़कों को लेकर कि सड़कें काफ़ी ख़राब हैं और मेंटेनेंस नहीं हुआ, हालांकि अभी मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दी है कि गड्ढा मुक्त किया जाए, शहर की सड़कों की बहुत हालत खस्ता है, और ख़ासतौर पे जो नए क्षेत्र नगर पालिका की सीमा में जुड़े हुए हैं, और नगर पालिका के लोग कहते हैं उनको जिला प्रशासन से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा या बजट की कमी है, शहर पूरा जर्जर सड़कों से आप अगर राउंड लेते हैं, जहां आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं लकपेड़ा बाग में, वहां भी सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी ऊंची नीची सड़कें हैं, और तमाम तो सुगम यातायात लोगों को मिल सके और फ्रीक्वेंटली लोग मूव कर सकें, आ जा सकें हर जगह, और हेल्थ पर आपने बताया कि ठीक है, एक लंबा सफ़र है, स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर होना प्रत्येक जनपद का,
लेकिन बाराबंकी जिला अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल एक रेफरल सेंटर बन गया है। वहाँ आप अगर आप डेटा निकलवाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ मेजर सर्जरीज़ बिल्कुल नहीं होती हैं। कोई भी एक्सीडेंट हुआ, जरा सी भी हेड इंजरी है, तुरंत लखनऊ रेफ़र कर देना एक चलन बन गया है। डॉक्टर्स आपके जिला अस्पताल में आधे से ज़्यादा डॉक्टर्स अगर आप रात में चेक करें तो सरकारी आवासों में रहते नहीं हैं। अगर आप CSC PSCs में रात में राउंड मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जनपद के 80% डॉक्टर्स रात में बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ के लखनऊ चले जाते हैं। यही हाल आपके यहाँ जिला स्तरीय अधिकारियों का है। सरकारी आवासों पर अगर आप जांच करें तो आपको पता चलेगा कि 80% DMSP को छोड़ के ज़्यादातर अफसर, पुलिस के कुछ अफसर रुकते हैं, कुछ SDM, कुछ मजिस्ट्रेट रुक जाते होंगे, अधिकांश अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय लखनऊ चले जाते हैं। ये एक पुरानी बीमारी है बाराबंकी की, क्योंकि लखनऊ के नज़दीक है। तो बतौर सांसद, बतौर सत्ताधारी दल के आप जिले के सबसे बड़े नेता हैं, निर्वाचित MP हैं, यहाँ के प्रशासन के लोग अपनी सेवाएं पूरे मनोयोग से दें, मुख्यालय पर रुकें, डॉक्टर्स उपलब्ध रहें, ये भी एक बड़ी चुनौती है। आपने कहा कि अगर पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई। 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में तो सब कुछ बंद ही था। तो ये सर्जरी का जो आंकड़ा है, ये इधर जो जब से लॉकडाउन हुआ और अब शुरू हुआ, अभी मुझे लगता है 1 हफ्ते से तो सब शुरू हो गया है, तो इसके बीच में बिल्कुल निश्चित रूप से वो उसका अगर डेटा निकालेंगे तो उसमें वो कमी आपको दिखाई। आप कुछ वर्षों का डेटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग जो भी बातें करते हैं जनता से मिले हुए फीडबैक के आधार पर करते हैं, और जो भी सर्जन्स अपॉइंटेड हैं ज़िले में, गवर्नमेंट ने एक मानक भी दे रखा है, सर्जन्स के लिए नहीं, CMO CMS के लिए भी एक मानक दे रखा है कि आपको इतनी OPD करनी ही है, इतनी सर्जरी करनी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि BJP की ही सरकार में, पिछली सरकारों में भी यहाँ पर डॉक्टर्स के ना रुकने का एक बड़ा विषय रहा है, हमेशा से रहा है, कि 80-90% सरकारी कर्मचारी अधिकारी, चाहे डॉक्टर हों चाहे दूसरे विभागों से जुड़े हों, वो शाम को 7-6 बजे के बाद लखनऊ चले जाते हैं। देखिए, इस मामले में हमें कहेंगे कि इधर पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी सुधार देखने को आया है, देखने को मिला, सुधार हुआ भी है, लेकिन अभी भी उसमें सुधार करने की आवश्यकता, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। रह गया सर्जरी की बात, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सर्जरी हो रही हैं। अभी ये ज़रूर है कि हो सकता है डॉक्टर्स की कमी हो, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो, तो उसकी वजह से कुछ कार्य बाधित हो रहे हों, तो उन पर भी भर्ती करने का काम सरकार कर रही, धीरे धीरे उस पर भी सोच रही है। OPD अभी शुरू हुई है, यहाँ एक डॉक्टर जो बैठ करके सुबह से और 2 बजे तक जो मरीजों को देखता है, 2 बजे तक के देखने की होती है कि बैठ करके देखेगा, लेकिन 2 बजे कोई भी डॉक्टर उठ नहीं पाता है। 3-4 बजे जब तक जिनके पर्चे बन गए, 2 बजे तक, 3-4 बजे तक देखते हैं एक एक डॉक्टर के यहाँ 350-400 की जो है वो मरीजों की संख्या होती है, जिनको सुबह से शाम तक देख करके और उनको दवा देते हैं। तो इस तरीके की संख्या, जनसंख्या के हिसाब से अभी पर्याप्त मात्रा में उतना संसाधन हमें मानते नहीं है। एक प्राइवेट डॉक्टर दिन भर में अगर 50 लोगों को देख लेगा, 100 लोगों को देख लेगा, तो वो स्वाभाविक है कि वो बहुत देर तक आला लगाए रखेगा, नाड़ी उसकी पकड़े रखेगा, लेकिन जिसको 400 देखने हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी में देखेगा। लेकिन यहाँ पर मरीजों की संख्या अच्छी खासी, और वैसे ये जो CMS हैं, इसके संग इन्होंने ये जब से कार्यभार संभाले हैं, तो मैं कोई उस व्यक्ति की बात नहीं करता, लेकिन इसके सिंह ने व्यवस्था सुधारने का काम किया है, अपने स्तर से काफ़ी कुछ सुधारा है। बाकी जो कमियां हैं आप लोग इंगित कर रहे हैं, तो ये जब संज्ञान में आती हैं तो उन पर भी सुधार। चलिए, तमाम मुद्दों पर आपसे वार्ता हुई और बड़े विस्तार से आपने अलग अलग विषयों पर जवाब भी दिया, और एक अंतिम प्रश्न के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, समाप्ति की ओर ले जाएंगे। परिवार के बारे में क्या विचार है आपके, बच्चे, आपकी फैमिली के लोग पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है उनका, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि तमाम नेताओं के बेटे जो है उनके पथ का अनुसरण करते हैं और राजनीति में आते हैं, और आपकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके बेटे विधायक बन रहे हैं और सांसद भी बन रहे हैं और आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बाराबंकी में पुनिया जी ने अपने बेटे को प्रत्याशी बनाया 2 बार, और उनकी पुत्रवधु भी जो है कांग्रेस की राजनीति में आ गई हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस दिशा में, और अपने परिवार में, आपके परिवार में कौन लोग हैं जो आपके पथ का अनुसरण करना चाहते हैं, आपके राजनीतिक पथ का? PL पुनिया जी ने 2 बार नहीं बल्कि 3 बार अपने बेटे को प्रत्याशी बनाया है। 2011 में विधानसभा का चुनाव मेरे मुकाबले लड़े वो, और फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े, वो दूसरा हो गया, और फिर उपचुनाव भी लड़े, तो इस तरीके से 3 चुनाव वो लड़ चुके हैं। और मेरे परिवार की जहाँ तक आपने बात पूछी, तो मेरे 2 बेटियाँ हैं, दोनों बड़ी हैं, 1 बेटा छोटा है अभी, तो बेटे की उम्र भी 18 साल है, वो पढ़ रहा, BTech कर रहा है,
और मेरे परिवार की राजनीति में किसी पद पर आने की कोई रुचि उस तरह की नहीं है, कोई रुझान इस तरीके का नहीं है। अभी एक बड़ी वाली बेटी की शादी हो गई है, दूसरे की शादी करनी है, बेटा पढ़ ही रहा है, तो राजनीति में आकर के अभी किसी कोई चुनाव लड़ना या किसी पद पे जाना ऐसी कोई रुचि मेरे परिवार के किसी व्यक्ति की नहीं। तो आपने सुना बाराबंकी के सांसद उपेंद्र रावत जी को, और बड़ी सादगी से, बड़ी साफगोई से अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, पार्टी का पक्ष रखा, और ये कहा जा सकता है कि पूरे मनोयोग से, बड़े विस्तार से हर प्रश्न को समझा और उसका जवाब भी दिया। साथ ही अपने परिवार के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी फैमिली में किसी की कोई लालसा नहीं है कोई पद हासिल करने की। तो जो तमाम विकास से जुड़े सवाल हैं, जो जन समस्याओं से जुड़े सवाल हैं, उन पर भी सांसद जी का कहना है कि वो कोशिश करेंगे, जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, और कुछ मुद्दों पर, कुछ मोर्चों पर उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई कि उन्होंने बेहतर काम किया है, उनकी पार्टी ने बेहतर काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि बाराबंकी के लोक सेवक के रूप में, बाराबंकी के सांसद के रूप में आप जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, और जो हमारे संविधान में लोक सेवक की मंशा प्रकट की गई है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करें और देश को विकास के पथ पे आगे बढ़ाएं, संविधान की उस मंशा पर भी आप खरे उतरेंगे। धन्यवाद।